जय जगन्नाथ, शुभ संध्या। ଶହେ ଏକଷଠିତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍କୁ। ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥମ୍ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वन्दं देवनां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौड़मणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्ट आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथ चरण कमल ए अकिंचन कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। ଶହେ ଏକଷଠିତମ ନ୍ୟାସନାଲ ୱିନର, ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇଭ ୱିନର, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିକର, ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧ ପଣ୍ଡାସା, ଭାରତୀୟ ଚତୁର୍ଧାମ ବେଦ ଭବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ, ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏବଂ ବିକ୍ରମ ବେହେରା ଆମର ଯିଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର, ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଡିଗ୍ନିଟେରିଜ ମାନଙ୍କୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାମ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱେବିନାର, ଏସ୍ଟିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚିଫ୍ କମିଶନର, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କାଳିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ and the chief patron of this series of webinar, revered chief speaker Pandit Dayanidhi Pandasa, respected poet Dr. Priyambada Samal ma'am je ki join karuchanti Chhattisgarh ru, ebong respected Susri Pratibha Mahapatra DOC guide Jharsuguda district, ମାଷ୍ଟର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଦିବ୍ୟାଂଶୁ, ଏବଂ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମାଇ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଲଭିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଆରାନ୍ ଗାଇଡ୍, ଅଲ୍ ଦି ଭିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ, କମିଶନର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏଇ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ।
जय जगन्नाथ। हेलो, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ का जय जगन्नाथ। संस्कृति एक अनन्य चिंताधारा चेतनारे अलौकिक मानविकता सर्वधर्म सर्वकर्ण सर्वभाषा रे ऊर्धरे श्री जगन्नाथ संस्कृति चेतना एवं चिंताधारा केवल भारत वर्ष रे नुहे सुदूर नेपाल सिंघल बर्मा मालय अमर मॉरीशस लंडन अमेरिका यह व्यतीत अनेक देश यार प्रभाव प्रति मनुष्य हृदय परिस्फुटित हो पारी एवं प्रति व्यक्ति अनुभव करी जगन्नाथ धाम जगतर नाथ तांकर अनुकंपा बिना किछि ही जेपरी हो पारिबो नै विश्व व्यापकता मूलरे रही धर्मीय उदारता शांतिपूर्ण सहवस्थान प्रेरणा जहाँकि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य भितर थिबा जो मैत्री चेतनार आलोक एवं जाति जाति भितरे थिबा जो संघति यार होची प्रथम उद्देश्य ए संस्कृति को रक्षा करिबा बा ए संघति को रक्षा करिबा यही होची आमर संस्कृति तबे संस्कृति को जदि आमे व्याख्या करिबा ए अनेक प्रकार रहिची एवं सुदूर प्रसारी जेउ काम कले मानव समाज को एक उत्तीर्ण सोपान रे पहुंचेबा पई प्रेरणा जगई थाए एवं पूर्णता प्राप्ति कराई थाए ताहा ही होची आमर संस्कृति या मध्य मानव समाज को एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र रे श्रृंखलित और सुसंगठित कराई निज को प्रतिष्ठा कराई पारिथाए तेणु ओडिशा रो धर्म संस्कृति इतिहास साहित्य शिल्प कला भास्कर्य तथा व्यक्तिगत पारंपरिक और सामाजिक जीवन रो प्राण केन्द्र होची जगतर नाथ श्री जगन्नाथ तेणु श्री जगन्नाथ संस्कृति कहले आम संस्कृति एवं आम कथा तेबे आम संस्कृति एवं आम जगन्नाथ ए भितरे अनेक किछि जिनस रहिछि श्री जगन्नाथ संस्कृति कहले बहुत बड़ जिनस किंतु ता भितरे आमे निज को छोट भाव मन न रखी आमे ताको टिके बड़ भाव मन करिबा पई बा बड़ भाव बुझिबा पई आजिर प्रचेष्टा आजिर ए कार्यक्रम को मु डॉक्टर नमिता पटनायक बीइंग द होस्ट एंड कन्वीनर वेलकम करुछि समस्त को स्वागत करुछि वर्तमान आमे ए कार्यक्रम आरंभ हो प्राय 2020 मसीहारू एवं आज पर्यंत आमे आगे चलीचे एवं प्रति स्टेप रे से जगन्नाथ आशीर्वाद बिना आमे एते बाट आसी पारिनी तेणु प्रथम समस्त अनुरोध करी मने मने समस्ते स्मरण करवा जय जगन्नाथ तापरे आमे ए कार्यक्रम को आग को नवा जय जगन्नाथ। बहुत दर्शक अच्छा से माने जगन्नाथ ना खाली शुणापी से पचे किसी न बुझुत से जगन्नाथ से कला कला दीट चक्षु को देखापी आम सहित तो सामिल होती से पाखे कृतज्ञता जनाऊँ आज कार्यक्रम को आम को जदि कहीं ये पहुंची आम पाखे आभासी कार्यक्रम मध्यम आमको आज परितुप्त करेणु मोर अनुरोध आपण मैंने समस्ते शुणे आभासी कार्यक्रम माध्यम रे पंडित दयानिध पंडा सार को ठारु कौन संस्कृति आमर कौन जगन्नाथ से पुणी किपर भाव आम संस्कृति रे मिसिकी रही विषय आम जानवा तेरे गोटे अनुरोध करी आम सहित तो मास्टर दिव्यांशु पाढ़ी जदि अच्छा से श्लोकटी बोलिए एवं परे परे गोटे कविता पाठ करेंगे डॉक्टर प्रियंबदा सामल प्रेमदा सामल मैडम जदि जोग देइछंती अनुरोध करिबे आगो कविता टी पढ़ी दियंतु तामे आम आगो को जीवा दिव्यांशु यस मैम हाँ प्लीज एंचेंट योर श्लोक प्लीज नमस्कार मैम यस दिव्यांशु पाढ़ी समस्ते जानती
से जने 9 वर्षर पिला झारसुगुडा रु डीबी स्कूल ले पढंती जने कप एवं से प्रत्येक दिन आम संगरे रहिछंती आमको प्रेरणा दबा पई एवं जने छोटो पिला हेले मध्ये से चेष्टा करिछंती से जगन्नाथ बहुत भलो पांती एवं तांकर दुई पद ए श्लोक सुनिला परे अमर कार्यक्रम आरंभ होइथाय मनरत करबी दिव्यांशु को से तांकर श्लोक आवृत्ति करबे जय जगन्नाथ। ओम चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो देवागर्भ चंद्र सूर्यो विलोकना जगन्नाथो लोकनाथ नीलाद्री सपरहरी दीनबंधु दया सिंधु रूपाळु जनरक्षका। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू प्रियंबदा मैडम बोधवे ज्वाइन करी ना हांती मनरोध करी आओ कि हाँ प्रियंबदा मैडम प्लीज मैडम आपण को कविता डी पाठ कर देले आमे सार गोटे सुनिबा। एगे नमस्कार समस्त को जय श्री जगन्नाथ। आज रही 161 तम नेशनल वेबिनार रे उपस्थित थिवा समस्त दिव्य प्राण ज्ञानी गुणी सज्जन मानन को मोर भक्तिगत प्रणाम एवं सामान्य मुख्य वक्ता पंडित दयानिधि पंडा को सुस्वागत एवं प्रणाम एवं प्रतिभा मैडम डॉक्टर नमिता मैडम को मध्य सम्मान। तबे श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक चेतनार प्रतिमूर्ति सभ्यता संस्कृति साहित्य कला संगीत परंपरा अर्थनीति राजनीति विज्ञान जड़ित एक परिव्यक्त चेतनार प्रतीक विश्व भ्रातृत्व जगत कल्याण मानववाद इत्यादि मूल तत्व ही जगन्नाथ संस्कृति। स्वयं जगन्नाथ समग्र विश्व ब्रह्मांड को एकता सूत्र बांधि रखिंट श्री जगन्नाथ विश्व एकमात्र देवता जी निज भाई भी रत्न सिंहासन विराजमान विश्व भ्रातृत्व चेतना को समृद्धि और प्रसारित कर प्रभु जगन्नाथ निराकार परम ब्रह्म से कौन से आकार सीमित नुहति नील सिंधु तटे नील पर्वत नील ज्योति उद्भासित हो त्रिशुक्त नीलवर्ण को जाग्रत कर विश्ववंदनीय ठाकुर एवं से विश्ववंदनीय ठाकुर पाखे मोर गोटे छोट भक्ति नैवेद्य क्षमा प्रभु प्रभु श्रीमुख को सते चाहिए पारुनी लाजे हे अतीत होण केते पाप करे धोई दिया बंसी धारी लाजे हेउ अछि घारी तुमि अंतर्यामी सर्वविद्यमान तुमि दयार सागर पात कमलरि ढलथा सदा पीयूषर दिव्य छोर तुमि दयार सागर क्रोध हृदय धारण करिले संपर्क रे आसे फाट अभिमान करि अपमान दे दुरत रहुए भेट दुरत रहुए भेट सर्व दोष भूली क्षमा चरिले प्राणी दोष न कर क्षमा दिया दंड देवा सती जानी कोटे थाई शेषिना क्षमा दिया क्षमा हृदय स्वर क्षमा कर सर्व दोष तुम बिना कहीं स्थिति मुक्ति नहीं
आरंभ तु मौठी से क्षमा कर सर्व दोष तुम बिना कहीं स्थिति मुक्ति नाही तुम ठी आरंभ से तुम ठी आरंभ से धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ थैंक यू मैडम डॉक्टर प्रियंबदा सामल जे कि नवोदय विद्यालय रे अछंती शिक्षकता करंती ता सहित बहुत सुंदर कविता लिखंती से आज छत्तीसगढ़ रु आम सहित जोग देतिवारु मु तांको अनेक अनेक धन्यवाद जणेउची थैंक यू मैडम वर्तमान आमे सुनिबा आम जगन्नाथ आम संस्कृति ए कार्यक्रम विषय रे ए टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक तथापि आज आमको ए समय ए विषय रे किसी सूचना दबा पाई आम गहणा रे उपस्थित अछंती पंडित दानधि पंडा सर अनम्यूट करंतु आपने को वीडियो आओ जॉइन कर सर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर आज एक पवित्र दिन जहाँ कि महाप्रभु लीला जो तांकर जागतिक लीला गुड़िक अच्छी से विषय आलोचन करिवार जो प्रक्रिया द महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ समस्त सदस्य मानक मु प्रथमे साधुवाद जनाउछी एवं महर्षि कॉलेज रे जो माने छात्र माने अछंती तांकर शिक्षक माने अछंती अध्यापक माने अछंती एवं जॉइन करथिबा कॉलेज रे प्रिंसिपल को मध्य मु प्रणाम जनाउछी सर्वोपरि ए क्षेत्र आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ पादरे ए अकिंचन प्रणाम पूर्वक आज जो विषय वस्तु रही आम जगन्नाथ आम संस्कृति ए विषय मत किसी कही सुजोग दे निजक धन्य मन कर जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ कथा कहिले रोम टांकुरी उठे तेणु प्रथम आरंभ करिबा पूर्वरु आमे समस्ते एक स्वर रे कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओम अहम् बोधिस्तिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन् प्रासादन्त सहज बल भद्रे नवलिनां सुभद्रा मध्यस्था सकल शिर सेवा वसरधो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जय जगन्नाथ परम कारुणिक परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर अवस्थापित होइथिबा बड़ भाई रूपेण श्री बलभद्र महाप्रभु एवं माता सुभद्रा देवी और चक्रराज सुदर्शन पाद पद्मरे ए अकिंचन प्रणाम जनाउछि आजिर जो टॉपिक रहिछि आम जगन्नाथ आम संस्कृति आम जगन्नाथ कहिले आमे समस्ते ओडिया जाति जानुछे आमर से होछन्ति जगन्नाथ आम घर परिवारर सदस्य
प्राचीन उत्कल आज ओडिशा संस्कृति रे समस्ते जगन्नाथ को निजर संस्कृति बोली भावी था। चेतना कहिले जगन्नाथ को बुझाई थाए, आम संस्कृति कहिले जगन्नाथ को बुझाई थाए, एवं लोकंकर देवता ए संसार विश्वर देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ। भारतीय माने सर्वश्रेष्ठ ठाकुर भाव रे जदि विश्व आदि कहा को चिन्ह थाए ताहले से होचंती परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ। ओडिशा को उत्कलवासी को अभय मुद्रा तल रे जे आश्रय देचंती से होचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तांकर आध्यात्मिक चेतना एवं महाप्रभुंकर ए क्षेत्रर प्राधान्यता आज विश्वर प्राण केन्द्र केन्द्र भाव परिचित हो। बहु साधु संत कवि प्रचारक समस्ते ए श्रीक्षेत्रर जगन्नाथ धाम स्पर्श करा माते निजक से महिमान्वित मन कर तेणु आज विश्व दरबार रे प्रत्येक मनुष्यंकर हृदय रे श्री जगन्नाथंकर वास। से हिंदू हुवंतु मुसलमान हुवंतु कि जवा जवन हुवंतु बौद्ध हुवंतु जैन हुवंतु समस्तंकर से गोटी आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ। जहांकर दिव्य लीला सबु धर्म वर्ण निर्विशेष रे पृथ्वी रे अखंड आनंद अनुभूति हेथिबारु से महाप्रभु जगन्नाथ हेउछंती समस्तंकर इष्ट देवता एवं प्राणर देवता। खाली आंभ मानकरे आम्हे माने जे कथा कथा के कहि दो आमर प्रभु श्री जगन्नाथ तमे केउ ठारु आसे ना ना जगन्नाथ धाम एई होउछे आमर परिचय। गोटिए संस्कृति को जदि बुझौ थाए ताहले प्रभु जगन्नाथ नाम विशेष ही परम संस्कृति को बुझौ थाए। गोटे शिशुर जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत से प्रति मुहूर्त रे तार हृदय अंतर रे से महाप्रभु जगन्नाथ को स्मरण करी थाए। नवजात शिशुर जन्म पत्रिका रे जेते बेले जगन्नाथ आद्य सेवक जेते बेले पत्रिका करुछंती सेते बेले जगन्नाथ आद्य सेवक गजपति महाराज नाम अनुसार लिखित होइथाए श्री गजपति गौड़ेश्वर विराधि वीरवर अमुक देव श्री दिव्य सिंह देव कि जे राजा थे नाम ठार आरंभ होइथाए तार जीवन चर्चा। तेणु यही तो जगन्नाथ संस्कृति ये तो हूँ आम ओडिया संस्कृति। प्रत्येक क्षेत्र में बाहाघर कहतु व्रतघर कहतु आमर प्रत्येक ओडिया घरे जो पर्वपर्वाणी गुड़िक पालन करुचे प्रथमे जगन्नाथ को निमंत्रण करी आमे समस्त कार्य को आरंभ करी थाउ। बाहाघर हो व्रत हो जेतेबेले विवाह कार्य हुए जगन्नाथ चित्रटे आमर घर आगरे अंकन करा जाय थाए। ए होची कारण कारण शुभ मंगल पाई गणे नारायण उद्रे अंबिके भास्कर तथा शुभ मंगल पाई प्रथमे विष्णु को स्मरण करा जाय थे जेहेतु आमर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ। तेणु जगन्नाथ चित्र मध्यम ए द्वार रे अंकित होइथाय शुभ मंगल पाई। एथरो स्पष्ट आम को जना पड़ी थाए जे आमे केते भगवान प्रति शरणार्पण ओ कौनसी कार्य जेतेबेले आरंभ करिबा को जाउछे सेतेबेले कौनसी संकल्प जदि आरंभ करिबा को जाउछे प्रथमे आमे कहुछे गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ। एवं संकल्प कला बेले कहुछे जे गंगा पुरुषोत्तम अंतराली तेणु ये देव ब्राह्मण अग्नि सन्निधो आमे ग्रहण करुछे। एवं प्रत्येक पूजारे मध्य जगन्नाथंकर महाप्रसाद लड़ू महाप्रसाद हो निर्माल्य हो ताकु आनी पुष्प और धूप दीप दे पूजा करी जगन्नाथ को आवाहन करी था।
यहाँ आम ओडिया संस्कृतिर महनीयता जहाँकि आम उत्कल संस्कृत की संस्कृति को आज परिपूर्ण कर विशेषकर जगन्नाथ ये जो संस्कृति रही केवल ओडिया मानकर नुहे सारा विश्व आज वंदित हो प्रत्येक परिवार मानक कहतु सका उठिले आम महाप्रभु जगन्नाथ को स्मरण कर समस्त कार्य कर जे बेपार करे से प्रथमे ठाकुर को जगन्नाथ को मुंडियाटे मारी तार तार बेपार को आरंभ करे तेणु लक्ष्मी जगन्नाथ जो चरणारविंद आरंभ कर संस्कृति को आज समृद्ध कर महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति विशेषकर जो माने वृद्धा 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 लोक अच्छा जो माने कार्तिक मास रे साधारणतः कार्तिक व्रत आदि करी थांती से माने देखिबे ए आजर सधवा नारी माने प्रथमे सकाळ उठिले चौरा मूळरे तांकर सेवा को अर्पण करी थांती एवं चौरा मूळरे जो पंच वर्णर मुरुज को श्री जगन्नाथ चित्र बलभद्र चित्र एवं सुभद्रा चित्र और आयुध मान को स्थापन करी तुलसी पाखरे राधा दामोदर आदि पूजा करी थांती तेणु ये हूँ आम उत्कलीय संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में जगन्नाथ नाम एवं फटो निहाती भाव दरकार होता है तेणु ये प्रत्येक जिते आम पूजा करू कि जहाँ करू ते सब क्षेत्र में आम जगन्नाथ लड़ू महाद ही दरकार होता है ओडिया संस्कृति ये उत्कलीय परंपरा ये जगन्नाथ संस्कृति ये सब अभिन्न कहीं क्या ठार अलग नुह तेणु ओडिया जनजीवन जदि आम जगन्नाथ चिंता करुचे ओडिया चलनी भितर मध्य ये जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा निहित हो रही जेपरी भाव आम पर ज्येष्ठ जे कि बड़ ताकु आम अधिक गुरुत्व दे थाउर कथा को आम जपरी भाव मानि था ठीक से हीपरी ये जगन्नाथ संस्कृति देखा मिली था उदाहरण स्वरूप बलराम दास लक्ष्मी पुराण को जदि आम विश्लेषण करवा से देखा महालक्ष्मी जेहेतु बिना अनुमति रे प्रभुंकर बिना अनुमति रे श्रीया चंडाणी कुटीर से जैक उभा महाप्रभु बलभद्र जगन्नाथ कही बिना अनुमति रे जेहेतु लक्ष्मी जाई चांदलुनी घरे प्रवेश होती तेणु तक प्रवेश करिबा मना तेणु ज्येष्ठ को जे कि आमर परिवार रे जे मुख्य जेपरी आम अग्राधिकार दे था ठीक से परी महाप्रभु जगन्नाथ मध्य बड़ भाई बलभद्र को से अग्राधिकार दे कथा को आड़े पारि नहांती जहाँ फल महालक्ष्मी को मध्य श्रीमंदिर रु किछि दिन बाहर रही अवस्थान करिवार प्रमाण बलराम दास लक्ष्मी पुराण रु मिली से भाव आपण देखिबे रथयात्रा कि घोष यात्रा हो रथयात्रा रे जदि आम देखुचे ताहले महालक्ष्मी को सांगरे न नै सुभद्रा को नहीं यार आउ गोटे कारण जदि आम संस्कृति के देखा जाए ताहले जेहेतु लक्ष्मी देढ़ सुर बलभद्र जाउछंती तेणु तांक सहित लक्ष्मी जीवा अनुचित से रथयात्रा रे लक्ष्मी को न नै सुभद्रा को नहीं था ये हूँ आम उत्कलीय संस्कृति एक परंपरा मध्य रही जेहेतु देड़सुर और भाई बहु कर मुख दृश्य न हुए से जितेबले हेरा पंचमी रे रथयात्रा रो पांच दिन पर हेरा पंचमी पड़े से दिन महालक्ष्मी जितेबले जाती बलभद्र रथ आगे तेरा कपड़ा आरूढ़ करा जाए थे कारण तर छाई पड़ न था तेणु यही हूँ आमर ज्येष्ठ आ श्रेष्ठ मान को सम्मान देवार जो
प्रक्रिया आम जगन्नाथ संस्कृति रे सर्वगुण रे परिपूर्ण हो रही। जेतेबेले देखिबा ओडिया लोक कथा रे चलनी रे जदि आमी देखिबा जगन्नाथ को चेतना केवल से नुहे जदि आम कौन परिवार कौन झीर जदि आम विवाह आदि करुचे जदि पुओटी कला रंगर हो गला आम समस्ते भावुचे पुओ कला रंगर है तेणु ताको विवाह करिबा अनुपयोगी तेणु से झील जो मंगू ना आम कहचे अरे आमर तो प्रभु जगन्नाथ तो निजे कला तेणु जगन्नाथ से कला हेले षोल कलार से विरजित होती तेणु से आम कहीकि एक कहीकि आम जिते बुझे दे से बुझी जाऊँगी यही हूँ आम जगन्नाथ संस्कृति। तेणु ये जगन्नाथ संस्कृति रे अनेक गुड़िया महात्म्य रही महाप्रसाद महात्म्य को जदि आम देखा एटे चंडाल ठारु ब्राह्मण पर्यंत ए निर्माल्यर बा महाप्रसादर समस्त अधिकार होइथांति। आम गाँ गहली जेतेबेले देखिबा ओडिया गृहिणी सकाळु चौरा मूळरे तार बही को फिटे भागवत भागवत जहाँ कि पुराण थी फिटे जगन्नाथ को दर्शन कर पुणे प्रथम आनी निर्माल्य सारा तार समस्त कार्य कर एबे भी मध्य समस्त नारी माने प्रथमे तुलसी चौरारे पानी दे सारिला परे निर्माल भक्षण कला परे अन्यान्य कर्म करि थांती। एही होछि हमरो जगन्नाथ संस्कृति जहा कि विश्व दरबार आज महनीयता करिछि। तेणु महालक्ष्मी जो प्रसाद को रांधि थांती से प्रसाद होछि महाप्रसाद। तेणु ये तो हूँ जगन्नाथ वैचित्रता जार जो चाउल को आम देखुचे जगन्नाथ रोष घर रंधा जाए ताको आम अमुणिया अर्ण कहे रांधि सारापर ताको अर्ण कहे पे रंधा अर्ण को रोष घर बाहर को जोबले जिते पंडा मान द्वारा गृहीत हो जगन्नाथ मंदिर को जाती सेतेबेले ताकु छेक कहते आउ छेक को जेतेबेले भैरवी चक्र रखी ताकु भोग करती ताकु भोग कहा जाए पुणि तीन ठाकुर पाखरे लागी कला बेले तुलसी जेतेबेले नैवेद्य रूप से समर्पण कराकु नैवेद्य कहा जाउछि एवं नैवेद्य परे विमला को जेतेबेले पाखरे जाए लागी होउछि ताकु सेतेबेले महाप्रसाद कहा जाउछि एवं महाप्रसाद जेतेबेले पंच परमेश्वर आगे लगी हूँ से कैवल्य कैवल्य को भक्त मान खाई समय आम अभड़ा कह तो जगन्नाथ संस्कृति वैचित्रता। तेणु ये जगन्नाथ संस्कृति आज मध्य से उज्जीवित हो रही चंडाणु ब्रह्म जाए तेणु ये महाप्रसाद को समस्ते खुआ खुई होती से कहुच्छे चंडाणु ब्रह्म जाए खुआ खुई हेबे हाड़ी हस्तु ब्राह्मण जे छोड़ाई खाइबे ए जगन्नाथ प्रसाद ए महाप्रसाद महात्म रही जो अर्ण को महालक्ष्मी निजे रंधन करी थांती जगन्नाथ पातिका लक्ष्मी स्वयं भक्त जनार्दन तस्मात अर्ण विप्रेपे देव तरेपी दुर्लभम। तेणु से अर्ण को आम जो भक्षण करुचे आमर से समस्त पापताप खंडन ही आम पुण्यधाम को अवलोकन करुचे एथेरे संदेह ना। तेणु महाप्रसाद महात्म अवर्णनीय खाली हिंदू शास्त्र नुहे समस्ते हिंदू शास्त्र देखा गले महाप्रसाद को स्वयं ब्रह्म बोली कह जाए आम सदा कहते केत प्रकार ब्रह्म रही यही हूँ गोटे ब्रह्म जहा कि अर्ण ब्रह्म तेणु अर्ण तेणु अर्ण नपरी भाव आम शरीर किसी कम करपरी अर्ण ब्रह्म कह जाए यही हूँ जगन्नाथ संस्कृति महाप्रसाद महात्म। जदि ए क्षेत्र में कौन सी व्यक्ति जदि आसी पहुंचे से केत बेले से उपवास रही न था कारण महाप्रभु
तार मन को जानी ताको ए प्रसाद को ता पाखरे जोगे दे थांते तने ए महाप्रसाद र महात्म्य जगन्नाथ संस्कृति रे आज मध्य समिति रहिछ आमे स्नान शौच करि सारिला परे ओडिया जाति निजर इष्ट देव को जे परे पूजा परे निर्माल्य सेवा करे से महाप्रसाद को आमे समस्ते पाई खाद्य को ग्रहण करि सारिला परे समस्त कार्य करि थाउ ए कार्तिक मास कथा जदि आमे देखु छे कार्तिक मास रे जो आसन्ति हबिशाली माने से मानंकर जो पंच पुष्करिणी रे स्नान पूर्वक जहाँ कि इंद्रदुम्न मार्केंडेय नरेन्द्र श्वेत गंगा और महोदधि ए पांच पुष्करिणी रे स्नान करि सारी सेठारे तुलसी पूजन करि एवं जगन्नाथ को दर्शन करि थांति एवं संध्या बेले जगन्नाथ को दर्शन सहित हरिनाम कीर्तन एवं महाप्रसाद आदि पाई थांति जहाँ कि आम भारतीय संस्कृति को उज्जीवित करी उत्कलीय संस्कृति आज उज्जीवित तेणु एपरि क्षेत्र कौन से स्थान रे आज ना तेणु भारत हूँ आज से श्रेष्ठ भारत उत्कल देशी भूस्वर्ग पुरुषोत्तमी दारु रूपी जगन्नाथ भक्ता ना अभय प्रद प्रकृत वास्तविक जगन्नाथ आम ये संस्कृति को अभय प्रद दे तेणु जिते देश भितर अच्छी देश भितर उत्कल देश उत्कल भितर पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु आराध्य देवता श्री जगन्नाथ आज विश्व को विश्व दरबार रे आज से परिगणित होती तेणु तांकर लीला गुण आज अवर्णनीय पाखरे थिवा विभिन्न जो गुण गुड़िक रही आम ओडिया संस्कृति एबे भी सुदृढ़ित करिछि यथा भातृभाव जगन्नाथ महाप्रभु तांकर भाई को कथा को केबे भी आड़े दे नहांती जहाँ कि एबे मध्य बड़ भाई को सम्मान देवा आम ओडिया संस्कृति रे जेपरी रहिछि सेपरी जगन्नाथ मध्य तांकर बड़ भाई को सदा सर्वदा ऊर्धरे रखिछंती तेणु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जेपरी भाई भौनी मानकर जो भातृत्व भाव तीन जन एक जेतले घोष यात्रा जानते घर घर नादरी सेतेबेले प्रकोपित होता है तेणु सुभद्रा को चारिपटु जेपरी भाव कौन सी सुरक्षा बल भितर नहीं था तेणु यही हूँ भातृभाव भातृभग्नीर जो संपर्क आम संस्कृति रे ता देखा मिलूँ तेणु केवल जगन्नाथ संस्कृति रे यह देखा मिलूँ अन्य कौन सी संस्कृति रे ता नहीं जदि ओडिया जाति संस्कृति ताकि कह संस्कृति रही केन्द्र बिंदु आ महाप्रभु जगन्नाथ को जे थरटे दर्शन करुच्ची तार मनर समस्त पातक दूरीभूत हो जाए पाखरे विभिन्न रहस्य रु रहस्य ही रही सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानती कृत मनुष्य जे केते प्रकार लीला करी थांती स्वयं दारु रूपी ब्रह्म श्री जगन्नाथ से विभिन्न लीला करी थांती तांकर लीला मध्यरे प्रथमे जेते बेले श्री सृष्टिर आरंभ गीतारे कहा जायछि ब्रह्म जो लक्षण गुड़िक वर्णना करछि तेणु जगन्नाथ को मूर्ति रे ताहा रहिछि तेणु परम ब्रह्म दारु रूपी ही चिदानंदमय ब्रह्म बोली तेणु प्रथम जगन्नाथ देहरे महानृसिंह मंत्र जप कला मात्रे से दारु ब्रह्म रूप भयानक नृसिंह रूप से प्रकटित तेणु से आम ओडिया संस्कृति रे नृसिंह को प्राधान्य भी दि जाए कारण नृसिंह को जिते दारु रूप से काले किए दारु को अवमानना कर प्रथम नृसिंह रूप से आविर्भूत हो आम जिते भागवत पढ़ुचे से आम यही रूप से भाव पढ़ुचे नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण तेणु से नृसिंह रूप से प्रकटित दारु रूपे श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ
तेणु आम ये संस्कृति रे महाप्रभु जगन्नाथ को किए नृसिंह भाव किए राम भाव किए कृष्ण भाव किए दुर्गा भाव किए दक्षिण काली भाव किए मान विभिन्न रूप से विभिन्न उपाय महाप्रभु को स्तव कर कारण आम देखुचे महाप्रभु पाखे ये जो जागतिक लीला जो मानवीय लीला करवीय लीला भितर तो केमी मानवीय लीला कर हस्त ना पद ना ये सब जिनस को केमी भाव से कर जन देवाप कहते किए कहला मोर कान ना किए कहला मोर पाद ना जदि मोर पाद ना कि मोर कान ना मुझे चलुची केमी से कहुई बिनु पद चलई करम करई विधि नाना रामचरित मानस कथा कह तेणु जगन्नाथ जदि हस्त हस्त ना से कमी कमल जो फूल जो लिखाई करपल्लव करपल्लव किपर धारण कर हस्त चक्र धरी तेनाब हूँ महनीय लीला तो ये जगन्नाथ संस्कृति रे आज एवं सुदृढ़ करम संस्कृति जहाँकि सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भाव ओडिया संस्कृति को आज विश्व दरबार मानु खाली से नुहे ए विश्व दरबार रे ए ओडिया जाति शिखेदी जे शरणापन्न शरणागति जो मैंने शरणागति होती पाखे कौन सी भय रही नपरी भाव जगन्नाथ शरणागपन्न है समस्त अहंकार को शून्य हो जाए तेणु से अहंकार शून्य हो ये ओडिया जाति शिखी जे आमर है उत्कलीय संस्कृति आ जगन्नाथ संस्कृति आमर रही था साम्य मैत्री भाव जो जगन्नाथ रही सौम्य और मैत्री भाव समस्त भितर मित्रता भाव आम कौन सी पर्वपर्वाणी करू कि जानी जात्रा करू कौन जेकोसी जात्रे आम महाप्रसाद को घर को निमंत्रण कर अतिथि मान को निमंत्रण कर जगन्नाथ संस्कृति वैशिष्टता ये हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान बौद्ध हो शिख हो समस्ते समस्त गोटे भावपन्न भातृभाव नहीं ये समस्ते ये जगन्नाथ संस्कृति को सुदृढ़ कर जदि जगन्नाथ संस्कृति एपरी बाछ विचार था दासिया बाउरी जे कि पाखे कौन थी से भक्तिर सहित खाली कही हे महाप्रभु मु आपण पाक ये नड़िया टी पठाऊ मु जेहेतु अच्छव जाति आपण मंदिर को जापारे जदि आपण ये नड़िया टी मु पंडित द्वारा ब्राह्मण द्वारा पठाऊ आपण के इच्छा हेले ने नहीं जिते पंडा द्वारा कौन ब्राह्मण द्वारा नड़िया टी दि जाते महाप्रभु ताकू हस्त बढ़े नहीं भक्त भगवान जो मिलन रार्ता केवल ओडिया संस्कृति ये जगन्नाथ संस्कृति रे देखा मिले तेणु महाप्रभु जे शून्य ब्रह्म ताकर आकार ना जहाँ को कहते आम निराकार से अनाकार स्वरूप अनाक्षर रूप अनवर्ण रे प्रकाशिल अनसर रे थाई सबुर गह नाई अण वेद को आदरिल हे नीलाद्रीश आपण होचंति अनाकार स्वरूप शून्य ब्रह्म रूप जहार आकार नहीं उकार नहीं जहार तीनी भुवन को विस्तार करिछि स्वर्ग मर्त्य पाताल जहार सेथिपि कहै वेदरे त्रिपादोर्ध उदित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रम कामस्त नाशनि अधि जहार पाद तीनी भुवन को व्यापी जाइथिला से हेउछि ए आमर जगन्नाथ संस्कृति आपण माने जानिथिबे बड़ी को जिते बड़े
महाप्रभु बामन अवतार चापिले तीन पाद तीन भुवन को लंबी जाइला ये हूँ जगन्नाथ संस्कृति भितर ये दस अवतार तत्व निहित हो रही कला ठारु आरंभ कर समस्त रंग भितर रही कहकर जिते देखा जा भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति में कला ठारु धला पर्यंत जो चारिटा रंग रही रंग भितर से महाप्रभु मध्य दर्शन दे था कह पीतवर्ण जहाँ को आम विश्व दरबार चीन देश को बुझाई थाए से श्वेतवर्ण श्वेतवर्ण हूँ यूरोपीय मान कृष्ण वर्ण हूँ आफ्रिका भारतीय मान लोहित वर्ण हूँ लोहित भारतीय मान अन्य भाव कहले जगन्नाथ वर्ण कला तेणु आफ्रिका रोक मान रंग मध्य कला जहाँ कि सांकेतिक कर जगन्नाथ रंग वैशिष्ट्य बलभद्र जपरी भाव वर्ण धला से यूरोपीय वासी वर्ण से मध्य को सामंजस्य कर सुभद्रा वर्ण पीतवर्ण जहा कि चीनवासी को संकुचित संक्षेपित करभद्रा रंग भाव सुदर्शन वर्ण हूँ लोहित वर्ण जहा लोहित भारतीय को संकुचित कर तेणु ये सब चतुर्धा मूर्ति भितर समग्र विश्व आज संगठित हो जा गोटे सूत्र ये हूँ आमर जगन्नाथ संस्कृति द्वितीय कथा है जो आदर्श को आम ग्रहण करुचे तेणु मनुष्य पाखे क्यों गुण गुड़िक रही व्यक्ति किमी भाव तार मानवीय गुण को प्रकाशित करुची ताहा आज ए विश्वर संस्कृतिर आकु सुदृढ़ कर समस्त भितर छुआ अछुआ धनी दरिद्र और समाजवादी कि समाजवादी ए भितर से भितर प्राचुर सृष्टि करूना समस्ते ए जगन्नाथ क्षेत्र में निजे निजर गोटे हो जगन्नाथ संस्कृति को निविड़ भाव परिपृष्ट कर तेणु महाप्रसाद पाते से भितर छुआ अछुआ भेदभाव रही ना ब्राह्मण ठार चंडा आज छड़े खाऊ ये हूँ तो जगन्नाथ संस्कृति एवं आउ गोटे कथा देखा गले जिते बड़े रोसई हो महाप्रभु पाखे से यज्ञ जहाँ कि रोष होम होता है प्रत्येदिन यह हूँ आमर संस्कृतिर अन्य एक निदर्शन एवं महाप्रभु कर प्रसाद को विमला पाखे जो समर्पण होता महाप्रसाद भाव महाप्रसाद को भाव आम ये संस्कृति ओडिया संस्कृति को ग्रहण कर संस्कृतिर समस्त द्रव्य को जेपरि भाव झंडा हेउ तांकर वस्त्र हेउ तांकर फूल हेउ सब को महाप्रसाद भाव ग्रहण कर फूल वस्त्र देह जगन्नाथ देह लगे समस्त पदार्थ ही महाप्रसाद होता है तेणु यह आमर ए जगन्नाथ संस्कृतिर मैत्री चेतना को सुदृढ़ कर तेणु जगन्नाथ आउ एक आम संस्कृति सहित निविड़ संपर्क थाए ताकि भातृभाव जहाँकि जगतवासी भितर भाई भौनी जो संपर्क ताक ये जगन्नाथ संस्कृति में देखा मिले जगन्नाथ ए क्षेत्र में महाप्रभु देउल को आम बड़ देउल कहचे पंडा को बड़ पंडा कहचे दांड को बड़ दांड कहचे और सुआर को जे रोष करते बड़ सुआर कहचे एवं धूप को बड़ धूप कहचे सुतरा बड़ सब बड़ जगन्नाथ पाखे से बड़ देउल बड़ ठाकुर तेणु सबकि आज बड़ हो तेणु आठ आ संस्कृति ठार महनीयता कौन थी पारे
ତେଳେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ସେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପୋଡ଼ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଦେବେ ନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନଥାଏ ତଫାତ ନଥାଏ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିଛି ରାମ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାତା ତୁମେ ଆଜି ରାମ ଅବତାରରେ ମୋର ଠାରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ଠିକ ସେହିପରି ଦ୍ୱାପର ଅବତାରରେ ଆପଣ ଯଶୋଦା ହେବେ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ମୋର ମାଉସୀ ମା ଯିଏକି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ଏହି ହେଉଛି ଆମରି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତେଣୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହୋଇଥାଏ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରି ସର୍ବ ଜନଙ୍କୁ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଟିଭିରେ ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ ସଦାସର୍ବଦା ରହି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ କେବେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ କେବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଏ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ ରଥ ଗୁଡିକ ସଜା ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଫୁଲର ଟାହିଆ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତୁଳସୀ ଦୟଣା ଏସବୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଦାସର୍ବଦା ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ତା ମନର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟରେ ରହିଛି ଜଗତ ଜଗତିରେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭେଦ କରେ ଜାଗ୍ରତ ଜୈତ୍ର ଯା ବିମଳ ଜଗତ ନାଥ ବୋଲି ଜଗତ ଯାକ ହୁରି ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବଦୁଃଖନା ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଦାନତଃ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବଦୁଃଖାନା ଆମର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେତେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ଡାକିଥାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋ ଖୋଲି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭରେ ବନ୍ଧନ ରଖ ତୁମରି ବନ୍ଧନ ରଖ ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋ ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋ ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି ଟାଣି ନିଅ ତୁମ ପାଖ ଟାଣି ନିଅ ତୁମ ପାଖ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶରଣାପନ୍ନ ଦିଅ ରଖ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମତେ ସ୍ନାନ ଦିଅ ଆଜି ଶବରୀ ନବଦା ଭକ୍ତି ପାଇଥିଲା କିପରି କେବଳ ତାର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା
मो प्रभु दिने ने दिने मोर आश्रम को आसबे मो गुरु वाक्य निश्चित भाव सत्य हम सत को सत से महाप्रभु राम अवतार रे सबरी पाखक आज समस्त भक्त से चाहूँ महाप्रभु मोर जो हृदय रे मो हृदय कमल भितर सदा सर्वदा आपण बास करंतु आज भक्त सालबेग कहतु भक्त दासिया कहतु कि भक्त जेकोसी भक्त कथा कहतु केवल से माने समर्पण भाव द्वारा मानसिक संपूर्ण रूपे समर्पण करदे द्वारा से महाप्रभु को पाई ये हूँ तो जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ पाखे विभिन्न यात्रा हुई थाए यथा जदि आम देखा से मानकर लीला देखा महाप्रभु गाधोचंती स्नान करुचंती दांत घसुचंती आमेर जेपरी भाव रे दैनदिन जीवन रे समस्त कर्म करी थाउ महाप्रभुंकर ए संस्कृति रे मध्य चाहा होई थाए यथा प्रथमे जेतळ अवकाश नीति होई थाए महाप्रभुंक पाखरे जो दर्पण स्नान करा जाय सेथिरे दर्पण स्नान रे मुत्तुरे दांत काठी रो जो व्यवस्था रहिछि मुत्तुरे दांत काठी द्वारा महाप्रभुंकु दांत घंसे दियंती तंकर सेवक मान तेणु वृक्ष को से सम्मान देइछंती जे सका उठिले प्रथम आम दात काठी द्वारा दंत मंजन करने द्वारा दातर जो रही सुदृढ़ता विटामिन डी ता प्राप्ति हुई था वास्तविक से भाव जो स्नान हो महाप्रभु स्नान यात्रा कथा जी देखा महाप्रभु स्नान कले शहे आठ गारा शहे आठ गारे स्नान कला महाप्रभु को जपरी भाव आम अधिक अत्यधिक स्नान कले ज्वर होता है ठीक से महाप्रभु समग्र विश्व को जना देवा को चाहती मुनुष्य पर लीला करेणु मनुष्य मनुष्य रूपे मुझे लीला करुची ताक मानवगण मोर ये लीला को तुम्हें मैंने बुझ तापर स्नान कर सारापर से ज्वर से पड़ुंट पंदर दिन से भितर विभिन्न नीति होता है जहाँकि अणवसर नीति अणवसर नीति रे महाप्रभु पाखे किसी गुप्त नीति होता है सेवक मान ये गुप्त नीति को प्रचलित करमर जगन्नाथ संस्कृति रे महान्यता को आज भी मध्य वृद्धि करदि देखा महाप्रभु पाखे प्रतिदिन ज्योतिष विचार मध्य कर सेवक जे खुरी नाहक से सबुदिन महाप्रभु राशि नक्षत्र आज भल बेला कौन अच्छी सब कथा जी कही थाए तेणु आम जीपरी भाव सका उठिले आमर बेला नक्षत्र तिथि बार को देखुचे ठीक महाप्रभु पाखरे मध्य यही सब नीति गुड़िक जदि आम मंदिर वास्तुकला को देखा तेल वास्तुकला मध्य जगन्नाथ मंदिर जो निर्माण मध्य वास्तुकला सहित सामंजस्य रही जो दिगरे जहा रहा कथा ताकि देखु जगन्नाथ संस्कृति केते सुदृढ़ जो जगार जहा रहा कथा ठीक भाव रही जेपरी भाव आम नैऋतु कोण को देखा नैऋतु कोण से माँ विमला रही नैऋतु कोणटा आम घर वास्तु कथा देखिले नैऋतु कोण सदा सर्वदा उच्चार रहा दरकार तेणु आम घर सीढ़ी को आम रखीच नैऋतु कोण से तेणु तहार कौन आम समस्त क्षेत्र सुदृढ़ कर आसुरिक शक्तिर प्रभाव न रेणु जेहेतु नैऋतु कोण हूँ आसुरिक शक्तिर तेणु से जगार उच्चा रखा द्वारा घर समस्त दुख कष्ट लाभ हुई था ठीक से माँ विमला से स्थान बताए यहपरी भाव दक्षिण द्वार को देखिले दक्षिण द्वार हूँ जमंक द्वार से मुक्ति मंडप शिला यहपरी भाव वास्तुकला सहित जगन्नाथ मंदिर मध्य निर्माण हो जो ठारे अन्न प्रसाद होग्निकोण से अवस्थित जहाँकि शिक्षा दिए आम संस्कृति सहित जगन्नाथ संस्कृति अति निविड़ भाव संपर्क रही जो ठारे महाप्रसाद आम पाचे अभड़ाशाल से जगह हूँ ईशान्य कोण
जहाँकि से स्थान रे कौनसी अर्णर अभाव रही न था तेनाली माने पत्नी होंगे महालक्ष्मी से अभाव रही तेनाली देखिए विश्व जदि सब बड़ भोजनालय रखा ताल से हूँ जगन्नाथ मंदिर रही जीठ अभड़ा पापरि लक्ष लक्ष लोक गले अर्ण के तले सरी न था। ये हूँ आम जगन्नाथ संस्कृति। आम जितने घरे रोष करू प्रथम सूर्यांगी को सूर्य अग्नि को आवाहन करपरी भाव में जगन्नाथ मंदिर द्वार फिटा नीति पर सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा ये सब कर सूर्य पूजा जेपरी सूर्य हूँ सकल शक्तिर आधार तेनाली महाप्रभुंर जो नेत्र देखुं गोटे हूँ सूर्य नेत्र गोटे चंद्र तेणु से सूर्य जो पंचधर्म पंच तत्व जो समस्त परिप्रकाश कर महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति बनजाग लीला देखा जिते बड़े महाप्रभुंर दारू विग्रह जिते बड़े नवकलेवर होते बड़े महाप्रभुंर दारू खोजापी विभिन्न सेवक मान जो सेवक मान द्वारा जा मंगला सर्वमंगला जैक काकटपुर मंगला पाखे अधिया पड़ी था सीधे स्वप्नादेश हुए ये जो विश्वास सतरे विश्वास रही जो विश्वास मंगला स्वप्नादेश था जे यही स्थान रे दारू अच्छी जो स्थान जो दारू के किपरी भाव रे हो जो दारू रे कौनसी पक्षी बसी नथिबे एवं से दारू को सदा सर्वदा सर्प जगी रही थी एवं तार दारू हवार समस्त लक्षण गुड़िक तेणु ये आज्ञा प्राप्ति है बनजाग जात्रा हुई थाए दारू आसी महाप्रभुंर विग्रह स्थापन हुई थाए जगन्नाथ संस्कृति एवं आम संस्कृति के देखिले जगन्नाथ मंदिर जेपर भाव में देखते आपत जो पहंडी विजय होती महाप्रभु पाखे गोटे स्वर से घंट नाद हुई थाए घंट नाद करने द्वारा जहाँकि घंटा हूँ कौन घंटा एवं बाद्य जदि कौन शुभमंगल कार्य बजा जाए तो समस्त शुभ कार्य होता है। आम घंटीर व्यवहार कर घंटी उपरे देखिबे गरुड़ चिन्ह थिबा एवं चक्र चिन्ह थिबा यह रहिबा द्वारा समस्त परिवार परिवार जो माने सदस्य रही परिवार वास्तुदोष क्षय कर घंटी घंटी बाजिबा द्वारा जगत घंटा आत्मने नहु आम कह घंट पूजा कर जगन्नाथ संस्कृति सहित प्रथम देखिए भोग लगे आग घंटी बाजिब आग घंटी बाजला जहाँकि अपसर्पन्दे भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्न कर्ता तेन संतोषी आज्ञा यहाँ कह जाए कहीं ना जो मैंने विघ्न करता ये घंटी बाजन करने द्वारा जेपर भाव आम को बेल समय हो गला आम बेल बजाऊे तेना ठीक से पर घंटी बाजन करने द्वारा से आसुरिक शक्ति दूरीभूत होता है। यह हूँ आम उत्कल संस्कृति एक महनीयता। आउ प्रथम जिते आम मंदिर को प्रवेश करुचे देखुचे आगे बड़ दांड ये बड़ दांड रूली बड़ दांड रूली के जिते आम स्पर्श करुचे आमर समस्त पापताप खंडन हो जाए कहीं ये जो बाली रही शरधा बाली कथा आम जदि देखा शरधा हूँ जे कि राणी तांकर जिते बड़े श्रद्धा रु जिते बड़े रथ जात्रा होता प्रथम से छटी रथ आग तीन टी रथ जाऊला मेडिकल छक पाखे रोला से गोटे नदी प्रवाहित होता मालिनी नदी से डंगा द्वारा महाप्रभु को आरपट को नि जाऊला और सीठे पुणी रथरे पुणी गुंडीचा मंदिर तक नि जाऊला जो व्यवस्था थी धीरे धीरे श्रद्धा देवी ताकु से नदी को पोती एक जो दांडर प्रक्रिया सृष्टि कले से श्रद्धा अनुसार से बालीर नाम से दांडर नाम शरधा बाली कह जाए कह जाए शरधा बाली
मत जगह खंडे दबो बोली जो गीत बोल जाए वास्तविक ये शरदा बाली समस्त आज वर्ष के थे महनीयता सृष्टि कर संस्कृति महाप्रभु को दर्शन कले प्रथम जिते बे जाऊे गरुड़ पचर थी कि आम प्रणाम करुचे कारण गरुड़ हूँ वार्तावह तेणु द्वारा आमर समस्त वार्ता महाप्रभु पाखे पहुंची थाए जेपरी भाव शिव मंदिर रे आमे प्रथम गले नंदी को पूजा करी था नंदीर कान रे किसी मंत्र कही था एवं नंदी को पचर हाथ रखी आम कही था आपण पाखे पूजा करने को जाऊँ अभिषेक करने को जाऊँ मत अनुमति दिंतु ठीक से हीपरी गरुड़ पाखे पचरे रही दर्शन कले समस्त पूरा पूर्ण भाव दर्शन होता है जहाँ कहुची गरुड़ पचरे रही देख तेणु गरुड़ पचरे रही मुंडिये मारिवार जो प्रक्रिया केवल ओडिया जाति रही ओडिया संस्कृति रही भारतीय संस्कृति रही जहाँकि देखिए आपण गरुड़ पचरे देखिए तार चैतन्य तीन आंगुठी से कला द्वार पाखे लग रही थी हाथ दे आपड़ी देखिए जगन्नाथ संपूर्ण रूपे दर्शन होता है जगन्नाथ संस्कृति देखिए आम जपरी भाव श्राद्ध तर्पण आदि करपरी भाव देव दीपावली दे महाप्रभु मध्य पितृपुरुष को केवे भूली ना से मन रखी जे हे ओडिया जाति तुम्हें पितामाता केवे भूल ना जी तुमको खाद्य वस्त्र दे छोट रु बड़ कर हेलो हाँ छोट रु बड़ कर ठीक से हीपरी भाव मध्य मोर पितृपुरुष को श्राद्ध तर्पण आदि करेणु देव दीपावली महाप्रभु जो तीन दिन धरी तांकर पितृपुरुष को श्राद्ध आदि दे था पूरी संस्कृति रे जे पर्व पर्वाणी गुड़िक रही दोल जात्रा ठारु आरंभ करी दोल जात्रा कहतु झूलण जात्रा कहतु किंबा अक्षय तृतीया कहतु ओ स्नान जात्रा घोष जात्रा एमती समस्त बार मस तेर जात्रा अच्छी तेणु जहाँकि ओडिया संस्कृति सहित निविड़ भाव संपर्क रही प्रथम मंदिर को प्रवेश कला बेले देखिबा आम बैश पहाच को मुंडिया मारे बैश पहाच रे बैश जन देवी रही तेणु हे मातृशक्ति रही जो मातृशक्ति कृपा बल आम दर्शन मान स्पर्श करा मात्रे आमर समस्त दुख क्लेश लाघव होता है जिते आम बाहर को जाऊे देखले कौन सी जगह जब अन्य प्रदेश को जाऊे से आम आम परिचय हूँ जगन्नाथ परिचय से पचार क्योंठ आसल आम जब ओडिशा कहचे से माने जानी पार ना केवल जदि कहे आम जगन्नाथ धाम आसबले से मैंने आम पाद तले पड़ जा कहीं ना जो मनीष जगन्नाथ पाखे आसे से जगन्नाथमय तेणु एठार बाली गोड़ी माटी पानी पवन सबकि जगन्नाथमय हो जाए तेणु ए संस्कृतिर महनीयता पुरीर पूर्वरा को पुरुषोत्तम क्षेत्र विभिन्न नाम अच्छी जगन्नाथ क्षेत्र विभिन्न नाम अच्छी तर मध्य प्रथम पुरुषोत्तम क्षेत्र भाव प्रचलित थिला शंख क्षेत्र शंखनाभी मंडल आदि अनेक नाम ये क्षेत्र तेणु महाप्रभुंकर जपरी भाव अनेक नाम रही किए डाकिला जगा किए डाकिला कालिया किए डाकुच कालिया हाथी किए डाकुच मो बलिया तेणु विभिन्न नाम महाप्रभु को जपरी निजर परिवार जपरी संतान मान को डाकि थांती परिवार मुख्य माने ठीक से भाव जगन्नाथ नाम माधुर्य जो नाम को राम नाम को लेखी समस्त पथर समुद्र तो भाषा को लगी तेनाली महाप्रभु जगन्नाथ नाम को जे थे स्वहृदय मनर सहित जिते उच्चारण कर जगन्नाथमय हो जामर जगन्नाथ संस्कृति एवं मध्य शिक्षा दि जे आम कौन सी प्रार्थना करने को गले प्रथम जगन्नाथ भजन ही आरंभ कर कौन सी जनाण आरंभ करने को गले जगन्नाथ जनाण आरंभ कर आज
उत्कलीय संस्कृति ओडिया संस्कृति आज महानता होशी नृत्य देखिए गीत गोविंद स्वर से गीत गोविंद जे कि जयदेव जयदेव गीत माध्यम आज ओडिसी नृत्य आज सारा विश्व रे परिगणित ओडिसी नृत्य हूँ सर्वश्रेष्ठ नृत्य जहाँकिड़शा को आज सुदृढ़ कर विश्व दरबार तेणु महाप्रभु ये सब जो लीला गुड़िक रही अनेक लीला रही महाप्रभु पाखे भक्त भक्ति भाव जो जाग्रत हो भक्त को सी अनुग्रह पूर्वक महाप्रभु भक्त अनुसार निजर रूप धारण करण स्वरूप गणपति भट्ट गणपति भट्ट कौन कर महाप्रभु मोर कौन गजानन नुह फेरी जाइला कि समय पर अठरनाला ढुकुन बार फेरी आसी देखे तो महाप्रभु गजानन बेश हो तेणु भक्त मान रक्षा करने महाप्रभु विभिन्न रूप से विभिन्न अवतार भाव में अवतीर्ण होती अर्जुन को विश्व रूप दर्शन करे तुम्हें खाली चक्षु मोर रूप को दर्शन करना तेनाली तुमको ये दिव्य चक्षु देमें मोर से विश्व रूप को दर्शन भंज भंज भक्त बांछा कल्पतरु जे कि महाप्रभु जगन्नाथ समस्त मान को रक्षा करने से निजे पछे कष्ट सही किंतु भक्तर अनुग्रह को रक्षा करपरी भाव विश्व प्रतिज्ञा करे महाप्रभु हे कृष्ण मु दिने ना दिने तुमको अस्त्र धारण करिवार विवश करदेवि वास्तविक जेतेबेले महाप्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले सुदर्शन चक्र धारण करीष्म भावुंट हे प्रभु तुम्हें सत्यरे भक्त मान रक्षा करने निज भक्त पाखे निजे साधारण रु साधारण हो जाऊ ये जगन्नाथ संस्कृति भक्त बलराम दास कौन करथिले बाली रथ से विश्वास थिला महाप्रभु मो बाली रथरे निश्चित भाव बसिबे तेणु रथ छाड़ी बाली रथ को आज बलराम दास रथ को रथ से उपवेशन कर जगन्नाथ संस्कृति भक्त मान जो भक्तिर परंपरा तेणु जो भक्ति को नहीं आज समग्र विश्व गर्वित हो बंधु महांती राति भोजन करें महाप्रभु सुवर्ण थाली प्रसाद पठे दौंट मो बंधु मोर जाजपुर आसी बंधु ताकु ने प्रसाद को द्वार पेजनला पाखे अर्पण कर ये हूँ जगन्नाथ संस्कृति को आज विश्व दरबार में सर्वश्रेष्ठ करिवार विभिन्न उपाय तेणु महाप्रभु पाखे विभिन्न लीला गुड़िक गुप्त लीला होता है श्रीपयर लीला होता है श्रीपयर लीला कौन आप बुझे ना श्रीपयर लीला है महाप्रभु पयर ना कि सुनावेश जगन्नाथ रथ उपर सुनावेश हुए वर्ष को चार थर पांच थर सुनावेश हूँ किंतु रथ जात्रा रे जो एकादशी दिन जो सुनावेश हूँ ताकू देखा लक्ष लक्ष भक्त आसी था श्रीपयर श्रीपयर विभिन्न एवं तांकर जो माली कर पल्लव ठू आरंभ कर समस्त सुवर्ण से तैयारी होता है और जहाँ को देखिले मन मोहित हो जाए था सबुठारो आकर्षण हूँ महाप्रभु जो बेश रही जहा लास्ट जो भोजन सरला महाप्रभु जो बेश हुए से बेश को दर्शन करने भक्त आतुड हो रही था जो तुसी लगुच महाप्रभु को फूल तुसी और से झंडा प्रसाद को घर को आ तार मुख्य द्वार रखुची एवं सबुदिन स्नान कलापर ताक पाँच ए प्रसाद रतीक महात्म रही गजपति परंपरा कथा जी देखा गजपति परंपरा कथा महाप्रभु पाखे जगन्नाथ पाखे
गजपति महाराज मध्य आद्य सेवक भाव रे जाई झाड़ू धरी तांकर रथ को मार्जन करी थांती सेतेबेले से भाभी थांती जे मु जगन्नाथ को जने सेवक सेतेबेले तांको मन रे गर्व न थाए अहंकार न थाए तनो भक्तर भाव को रक्षा करे पाई पाई जगन्नाथ सदा जुगे जुगे तांकर अवतार को विभिन्न रूप रे देखा दे थांती थरकर कथा जने भक्त तलुच महापात्र मंदिर भितर बसी अचानक राजा से बड़े राजा कपिले आमर कपिलेन्द्र देव थे से प्रवेश करलुच महापात्र भयर थरहर महाप्रभुंर सब उल्लागू हो गला राजा तो आसिले निश्चित भाव धंडा प्रसाद पाइबे और धंडा प्रसाद नेबे तुलसी किछि नाही कौन करिवे निज मथारे खोसा होइथिबा फूल तुलसी को महाप्रभु पाखरे लगे राजा का हाथ रे दे देले राजा ताको प्रसाद भाव जितेबेले आनिछंती तलुच महापात्रंकर से फूल तुलसी भितरे किछि चुट्टी से फूल तुलसी भितरे रही है याकु देखी राजा राजा निजे बहुत प्रचंड जोर रागी जाइछंती अरे कौन महाप्रभु को फूल रे ए जिनस कौन आसला तेणु रागी के क्रोध रे डाकिछंती महापात्र आसंतु सेतेबेले कौन करिवे ना कौन हेछि ना फूल प्रसाद भितरे ए सब जिनस कौन ना महाप्रभुंकर पर केश उठि जाइछि महाप्रभुंकर मुंडरे मथारे केश अच्छी परा ना काली मते देखेबो काली मते देखेबो महाप्रभु का मुंडरे कोठी केश अच्छी मते देखेबो महापात्र तो कही देछिंदे महाप्रभु का मथारे केश अच्छी कौन करिवे ताको आ राती रे निद लागिन भक्तर कथा को बुझी परछंदे महाप्रभु अरे हे काली जदि मो न देखि पारले मो मुंड कटा हबो विष बोतल नहीं जाती जदि का समस्त आगे जी अपमानित तो हुए ताले मैं आपको भक्षण करदेवि एमती भाभी भाभी से शो पड़ी तादिन जिते बड़े राजा आसवा समय होपाय नपाई महाप्रभु पाखे तलुच महापात्र जाई हे प्रभु मुझे शरणागत वस्तल हे ढल नयन ढल ढल नयन हे कमल नयन मत भक्त को रक्षा कर सेतेबेले सेतेबेले राजा आसीछन तांको पछपटे देखिले तांकर चुट्टी जेपरी केश पूरा लंबिकी रही महापात्र कहते महापात्रे ये कौन डुप्लिकेट कौन अठा दे कि लगे दे केश को कहले ना प्रभु ये तो ठाकुर केश जेतेबेले राजा गोटे झिंकी दे महाप्रभु पाखु से धार धार रक्त बाहरी जाद तले पड़ी जा राजा वास्तविक हे महाप्रभु हे शरणागत वस्तल हे भक्त बांछा कल्पतरु तमें भक्तर मान रक्षा करने मैंने असंभव को संभव कर वास्तविक ये जगन्नाथ संस्कृति रे ये भक्त और भगवान ये जो मिलन आज मध्य सुदृढ़ भाव रही भक्त साल बेग भक्त साल बेग कौन से जवन हेले मध्य तांकर जो निष्ठा थिला ताको आज लोकलोचन को आनिबा पई महाप्रभु निजे भक्त साल बेग को जवन हेले मध्य भक्त आख्या दिछन एबे मध्य ए जगन्नाथ संस्कृति रही प्रतिदिन महाप्रभु पाखे गीत गोविंद बोल जयदेव जिते बड़े दे ही पद पल्लव मुदार ए कथा को लिखिदेई मान रक्षा करने सबुदिन पाखे ए गीत गोविंद भजन उपवेशन एवं देवदास जाए नृत्य करुँ जो पाठ देखुं खंडुआ जहाँ को कहती से
पवित्र नाम गुड़िक लेखा जाए तेणु ये जगन्नाथ संस्कृति भक्त भगवान कौन न करती भक्त मान को रक्षा करने से समस्त कार्य को करते बड़े ए मनीषर चक्षु महाप्रभु चक्षु सहित मिलित हो जाए से चका आखि को देखी दिए से चंद्र सूर्य नेत्र को दर्शन कर दिए से तार समस्त मनोकामना से चक्षु भीतर रही था तेणु जदि गोटे मनुष्यर मुख्य अंग देखा जाए ताहले होची चक्षु जड़े चक्षु अन्य जन चक्षु सहित जो मिलित हो जाए ताहले से ताकु भूली पार न था ठीक से आम जगन्नाथ संस्कृति रे जगन्नाथ से चका आखि को देखीदे आ भूलवाई मन हुए नहीं जगन्नाथ चका डल के नहीं विभिन्न प्रकार गीत रही जथा कोठ भोग खिया मो चका खिया कुठ हे पहड़ भांगी वास्तविक ये चक्षु को नहीं अनेक से भगवान गोटे उत्सव हुए जहाँकि नेत्र उत्सव एवं भगवान जेपरी देखते गोटे मानवीय लीला सर्व रहस्य पुरुषोत्तम देवे न जानती कृत मनुष्य महाप्रभुंकर शरीर में किसी अक्षुर्ण तेणु बनक लागी सेवा गोटे होता है बुधवार दिन बनक लागी सेवा होता है काले कोठे रंग छाड़ी जाए तेणु से कहा भगवान जेपरी मनीष तार दाढ़ी नेश काटी थाए बुधवार सोमवार तेणु महाप्रभु पाखे से बनक लागी सेवा एवं प्रचलित रही तेणु जगन्नाथ ये अनेक लीला जितने जगन्नाथ संस्कृति आज उत्कल संस्कृति सहित निविड़ भाव संपर्क स्थापन कर महाप्रभुंकर ये अनन्य सेवा सेवक मध्य जो नीति गुड़िक रही अवश्य मानने अवर्णन्य तेणु जगन्नाथ महाप्रभु होंगे आम ओडियार प्राण जगतर श्रेष्ठ एवं विश्वर श्रेष्ठ एठार समस्त पुष्करणी कहतु जो कि महोदधि ये महोदधि जो कि समस्त नदीर मुख्य विशेष समस्त नदीर जलराशि आसी ये प्रवेश करें तेणु महोदधि जले स्नान कला तार समस्त दुख कष्ट लाघव होता है तेणु ये जनजीवन जीवन धारण पाई तेणु शरीर जनित जो रही विभिन्न उपास्य गुड़िक आज जगन्नाथ संस्कृति एवं परिगणित जगन्नाथ संस्कृति आउ गोटे कथा देखा गले हे समभावना समस्त भितर जो समान भावना ताहा जगन्नाथ संस्कृति एवं भी सुदृढ़ कर रखी तेणु यही सब संस्कृति आम संस्कृति को एवं भी उज्जीवित करोधे समय अधिक हो गलानी कौन मैडम तो चली जदि आगे दस मिनट कह बहुत बढ़िया लगुच बहुत सुंदर आउ समस्त कार्यक्रम रही थी पुणी थे मिसा आउ थे आउ गोटे जगन्नाथ विषय तो किसी सरबन के आलोचना सरबन से केन्द्र तेना केन्द्र भितर जेपरी भाव आम गोटे केन्द्र वृत्ताकार भितर गोटे केन्द्र बिंदु थाए और केन्द्र बिंदु केन्द्र हूँ जगन्नाथ ये समग्र वृत्त को एक भाव रखी था तेणु वृत्त को निज नियंत्रण रखी था तेणु से परिधि के निजे कंट्रोल कर जगन्नाथ कथा अवर्णनीय तेणु अशेष शेष ना तेणु आम जगन्नाथ संस्कृति आम धर्म हि जगन्नाथ धर्म तेणु जगन्नाथ धर्म को आम छाड़ी मानने गोटे समय मध्य रही पार नहीं तेणु जगन्नाथ को विश्व दरबार
प्रतिष्ठित कर समस्त लक्ष्य हवा आवश्यक तेणु जदि आप कहे आउ 10-15 मिनट एम कहले तो आहुरी बहुत समय रही आउ कौन कार्यक्रम थी तथा एक घंटा पर आज ये सारे श्री जगन्नाथ संस्कृति रे अंतर्निहित मूल्यबोध भित्तिक आदर्श को तथा रीतिनीति गुड़ी को प्रत्येक मानव निज कर्म किपरि पालन करिवे एवं ता समग्र विश्व पर एक उदाहरण पलटिबो वर्तमान समय रे पथभ्रष्ट मानव समाज को यह किपरि एक शिक्षार आलोकवर्तिका जणैबो यहाँ ही होची आज कार्यक्रम रो मूल नीति बा आज कार्यक्रम ये होची उद्देश्य मानव जगत जो दैनन्दिन कार्यक्रम ताकू किपरि भगवान किपरि मानवीय लीला करी से सब सहित किपरि सामंजस्य रहिला इते सुंदर भाव रे पंडित पंडा सार आमको इते सुंदर बुझेले कोठी गोटे मिनिट आमको रहिबा पई इच्छा भी नहीं तथापि समय निर्देश अनुसार आम कार्यक्रम को इटे सारिबा मु वर्तमान अनुरोध करिबी प्रतिभा मैडम प्रतिभा मैडम हां सर ए ए हां कहिबारे जदि किछि त्रुटि थाए ताहले क्षमा करिवे किंतु महाप्रभुंकर रथ यात्रा विषय रे जो आलोचना हुए रथ यात्रा धारा विवरणी मु जाए एवं जो स्नान पूर्णिमा का सब जाए तेणु कहिले तेमते अगणित कथा रही तेणु तांकर जो बेश आउ रूप बेशर परिपाटी रही विभिन्न बेश तांकर परंपरा रही विभिन्न प्रकार बेश विभिन्न जानी यात्रा पर्वपर्वाणी आउपरे बहुत आलोच विषय रही भक्त सुम तेणु यार गोटे गोटे कर आवासी मध्यम गोटे गोटे आलोचना कर जगन्नाथ बेश उपरे आमे निश्चिंत भाव रे गोटे आलोचना रखिबा आउ भक्त माने रहिले तांकर सब रहिछि तांकर गोटे गोटे टॉपिक नै कि कले बहुत भलो हबो कारण ना ए समाज रे वर्तमान जेता बेले अधर्म आउ अन्याय रो मात्रा बढ़ी जाउछि त समस्त पाखरे ए वार्ता जदि जगन्नाथ कथा जदि पहुंचिला ताले समस्त खुशी हेबे निश्चित गोटे श्लोक बोली मोर रखुची ओम झरझरी का झटके झाड़ी कई के झाड़ खंडरा दियो बोली झाड़ू धरा नरेश शोभा देखिब आस झाड़ू धरा नरेश झटे देखिब आस झटक गजपति ठाणी ए नीला दृश झरा झोलीबा शोभा देखी धोबारे नेत्र जाए लाखी झसके तन झट झण झण कबाट झंपा केदारी पणे शोभे ए नीला दृश वास्तविक मानते जगन्नाथ बेश को देखी मुह को देखिले मो सामने रे आम घरे बस महाप्रभु बड़ जगन्नाथ मुह को मुझे अनेक चलिए तेनाली बेश और शोभा अति मान हृदय स्पर्शी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर बढ़िया लगला मैडम प्रतिभा मैडम मो कथा सुनी पार्टी आज कार्यक्रम रे आम सहित सामिल होता जो ओबिनार टीम तरफ रु गोटे छोट मोमेंट प्रदान करुची आशा रखी सार पंडित दयानिधि पंडा सार को अनुरोध करी आभासी कार्यक्रम माध्यम ग्रहण करने सर जय जय जगन्नाथ।
हाँ, बहुत सुंदर है महाप्रभु रूप जो माने ई करिसेंती बहुत बढ़िया है कारण ए जो बेसटी जे बहुत सुंदर बेस जगन्नाथ एकाकी बेसटी रही बहुत सुंदर भाव रही धन्यवाद। थैंक यू सर। आज ये कार्यक्रम रे जो माने आम सहित सहयोग करंती ता भितरे जणे व्यक्ति को आम सर्टिफिकेट प्रदान करू ई सर्टिफिकेट जहाँ आपण ताको प्रदान करिवे से हेले दीप्ति राय। अनुरोध करी दीप्ति राय जदि अच्छा से सार ग्रहण करिवे आवासी कार्यक्रम माध्यम रे आजिर ए सर्टिफिकेट रे बहुत बहुत बढ़िया है दीप्ति मैं दीप्ति राय को मो तरफ अशेष धन्यवाद कहीं ना जगन्नाथ कथा हूँ अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंता हरि सदा सर्वदा अनंत ही रही था कथा भी अनंत तेणु ये सामान्य सर्टिफिकेट कि चिंता करते ना जगन्नाथ कथा श्रवण कर प्रदान आनुष्ठानिक भाव धन्यवाद देवा पाई प्रतिभा मैडम को अनुरोध करी जदि नेट रो किछि प्रॉब्लम अछि ताहले हमकु जणैबे। प्रतिभा मैडम मो कथा सुनि पाउछन्ती बीणापाणी मैडम आम सांगरे अछन्ती श्रीमती बीणापाणी चौधरी आमर मैडम नमस्कार नमस्कार ओडिशा काउंसिल रो जणे कार्यक्रम कार्यकर्ता आज कार्यक्रम आपण को आज सौभाग्य आमर आपण को आम पाइ सार तो कत सुंदर कहले योबिना तरफ सर प्रणाम मैम आपण तो बढ़िया आपण को धन्यवाद दबा पे मते कहउ चंदी आज्ञा दयानिधि सर को धन्यवाद देबे एवं समस्त पार्टिसिपेंट मान को धन्यवाद दे दियंतु जॉइन करि पाउनि से झियोटी काई कोन असुविधा होचे मो तरफ रु अनुष्ठान तरफ रु समस्त मान मोर प्रणाम जनावि जगन्नाथ जो कार्यक्रम चली बहुत सुंदर लगुच क्रमान्वये दिन है जगन्नाथ केवल जो कार्यक्रम चलुचे जो सेवक आम भाईना को पाचे महापात्र सार हो कि जो चयन सार हो जी भी हो जो मैंने सेवक मान को पाचे आम तक मान मोर भक्तिपूत प्रणाम जनावि सी जगन्नाथ कृपा पाई आम तक पाईपे से गोटे बड़ सौभाग्य जोड़ा को जोगाजोग जो पहुंचे पार्टी आपण पाखे मुझे चीर कृतज्ञ जे कि आप आमको पहुंचे पार्टी आम सम्मुखे आम से जोग कर मत भी कह सु दौंस से मुझे धन्यवाद प्रथम आपण को देखिए पुणी कृतज्ञता जनाऊे आर को तो मुझे सरी सार सरी सरी जे आमे जो महापत्र भाई मान को पाइले पंडित दयानिधि पंडा पंडा सर पंडित दयानिधि पंडा सर पंडा पंडा सर जो पाइले हमरो माने जोडे की आध्यात्मिक भाव भाव जति की आमे भक्तिभूत भाव रे सुनुथुलु हम से एते सुंदर भाव रे कहुतले आमे मंत्रमुग्ध होइ जाइथुलु सेतरे जे की जगन्नाथ विषय आमे जति की जानिचु से हमको आहुरी माने एकदम आलोचना माध्यम रे हमको बहुत किछि तार तत्व गुण रहस्य जनईले जोटा कि आप बारंबार वेबिनार माध्यम कहते जगन्नाथ कथा जिते भी कहले सर सत सत जगन्नाथ जगन्नाथ संस्कृति परंपरा एत विचित्र जो कि आम जदि कौट बाहर परिचित हो जगन्नाथ धाम रु आसी सारा विश्व जाने ये जगन्नाथ संस्कृति और तार परिचय ओडावासी आम से आचित हईचे तेणु मु पंडा सर को मु अजस्र धन्यवाद जनईबी से आमको बहुत भल कथा शुणले आम जानल से आहरी कह इच्छा करूले आमको कही था कि आमर तो समय अभाव तेनाली तो आम से क्षमा प्रार्थना करवर्त समय जो कार्यक्रम हम सी आमको
ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ଦେଇ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ନୀଳାଧିଶ ଭଜନଟା ଗାଇଲେ, ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ପଢି କହୁଛି ଯେ ବନ୍ଦିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଶ୍ୱେତଲିନା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି 30-32 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ, ସୁନିତା, ମୁଁ ନାଁ ନେଇପାରୁନି କିଛି ମାନଙ୍କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ଆମେ ସମୟ ଦେଇକି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ଯାହାର କୋଉଠି କଣ ଥିବ, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବା ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ବା ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସହଯୋଗ କରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମିଶିବା। ବିଶେଷ କରି ନମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଓ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ଗୌରବର କଥା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ବଢେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କବି, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କର ପଢିଥିଲା, ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଢିବେ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟ ପେପର, ଗୋଟେ ହଁ କବିତା ବାହାରିଛି, ଜଣେ କିଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ସେ ପଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଦେବାର ଥିବ ଦେବେ। ଆକେ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବଢିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କବିତା ଆଉ କଣ କହିବେ, ଏବେ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ କୁନି ପ୍ରବଚକଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ, ସେ ଆଜି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ବହୁତ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛେ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗେଇ ପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମରୁଡି ଆସିଲାଣି, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିଲାଣି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଲାଗି ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ବି ଯାହା କରୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କର୍ମକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଦବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମ କାମ ଗୁଡିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ, କାହିଁକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ। ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇବା, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ବା ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଏ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ତରିଯିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ମୀଣା ମ୍ୟାଡମ ତ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଅନ୍ତରଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଜୟବୀର ସାର୍, ଆମର ଓସାମା ଡକ୍ଟର ଓସାମା ସାର୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବସିନେ, ଆମେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବସିଛେ, ଆମେ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛେ। ସେ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏକାଠି ବସିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନଥାଇ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଖେଳା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।